कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी मिर्चा का बहुत ही टेस्टी भरवा पकौड़ा। तो इसके लिए हमने 3 मिर्चा लिया है, प्याज को हमने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च, धनिया पत्ता, 2 बॉयल आलू और इसे हमने मैश कर लिया है। तो गैस पर हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे 1 चम्मच। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, साथ में प्याज और इसे हम थोड़ा भून लेंगे। इसको मैंने भून लिया है, कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रख देंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, सब्जी मसाला 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच और उबले हुए आलू को भी डाल देंगे। इसे हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। आलू को अच्छे से हमने भून लिया है तो अब इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच स्वाद अनुसार। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे। और मिर्चा का पकौड़ा बारिश में बनाइए, बहुत ही मजा आएगा खाने में। गैस ऑफ कर देते हैं और चलते हैं इसे हम ठंडा कर लेंगे। चलते हैं बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम 4 चम्मच बेसन ले लेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके घोल तैयार कर लेंगे गाढ़ा। तो देखिए हमने गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है, इसी तरह का घोल हमें रखना है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम साइड में रखेंगे और उसके बाद मिर्चा को हम चीरा लगा लेते हैं। हम स्टफिंग भरेंगे, इसके बीज हम निकाल लेंगे। तो देखिए मिर्चा का बीज हमने निकाल लिया है, इसी तरह दोनों मिर्चे को भी हम निकाल लेते हैं। अभी मिर्ची का हमने बीज निकाल लिया है। बीज निकालने से क्या होता है कि पकौड़ा तीखा नहीं लगता है। आप अगर चाहे तो अगर ऐसा मिर्चा नहीं मिले तो पतला वाला मिर्चा मिलता है उसका भी आप बना सकते हैं। जो हमारा स्टफिंग ठंडा हो गया है इसे हम भर देंगे और गैस पर मैंने तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसे हाथों से दबा दबा के अच्छे से भरेंगे। मिर्चों में हमने स्टफिंग भर दिया है, अब बेसन में डिप करेंगे। अब एक एक करके डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसे निकाल देंगे। इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है तो अब इसे हम निकाल देंगे। और फ्रेंड्स आप जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मिर्चा का पकौड़ा बनकर हमारा रेडी है और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। बारिश के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।